हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है फ्रेंड्स। देखो कितना ज़्यादा फोग हो रहा है, बिल्डिंग भी ऐसे कवर हो गई है पूरे फोग से। उधर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो देखो वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कबूतर भी उड़ गए, ये तो दिख रहा है पर वो बिल्डिंग नहीं दिख रही। तो फ्रेंड्स सुबह तो इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी ना, बहुत ज्यादा है ना प्रेम। कितनी ज्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज्यादा। इतना ठंड में बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करता। और नोएडा में टेम्परेचर पहले उठा हूँ 7 बजे और ये 12 बजे उठी है। ये 7 बजे उठा है लेकिन बिस्तर में से नहीं उठता ये। तो नोएडा में दिन ब दिन टेम्परेचर गिरता जा रहा है। कभी 6 डिग्री हो जाता है, कभी 9 डिग्री हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड है नोएडा में। स्नो भी पड़ती है थोड़ी। नहीं, स्नो वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे माउंटेन होते हैं। देखो पीछे का व्यू। बापू बर्फ नहीं है, वो प्लांट है। प्लांट कौन है? तो जानू अभी उठी नहीं है, मैं और प्रेम उठ चुके हैं। तो मम्मी नीचे नाश्ता बना रही है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हमारे 1 वीक से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, 1 हफ्ता हो गया था। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मेरे नाना जी थे तो आपको तो पता था उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मम्मी ने काफ़ी ब्लॉग्स में बताया भी था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो अब नहीं रहे, मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए। मकर संक्रांति वाले दिन मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी पापा 2-4 दिन से वहीं थे और इसलिए हमारे ब्लॉग नहीं आते। हमारा लोहड़ी का भी ब्लॉग डाला, मतलब वो बन गया था पर मम्मी ने डाला नहीं। इसी वजह से नहीं डाला कि भाई नाना जी एक्सपायर हो गए थे तो मम्मी पापा वहाँ गए हुए थे मामा जी के, इसलिए तो इसलिए हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे 1 वीक से। तो अब हम देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक रहे सब बस अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज मेरे वैक्सीन लगेगी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने कभी वैक्सीन नहीं लगवाया, मुझे बहुत आज ये मतलब ये मेरी फर्स्ट डोज है। क्योंकि मैं 15+ बच्चों के लग रहे हैं ना। मैं शायद 6th में थी तो मैंने तब लगवाया था स्कूल में फर्स्ट टाइम। किस चीज़ का उस टाइम पता नहीं, क्या कोई नई वो आया था कोई फंगस वगैरह, उसके लिए लगवाया था। और मैं आज लगवाऊंगी तो, क्योंकि आज नहीं ना, मतलब टीचर्स रोज कहते हैं वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट होता है ना तो वो चाहिए टीचर्स को कि भाई लिस्ट में नाम आ जाता है। तो मेरे को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। टीचर पीछे पड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो मैं क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी तुम्हें। अब मैं फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मैं कैसे दूंगी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स मेरे को मम्मी लेके जाएगी और टीचर्स ना रोज़ मैसेज करते हैं कि इसमें लग रही है वैक्सीन, इस यहाँ पे लग रही है वैक्सीन, मतलब डेली मैसेज कर देंगे आज स्कूल में लग रही है, आज स्कूल में लग रही है वैक्सीन। पर मम्मी पापा गए हुए थे जैसे मैंने आपको बताया 2-4 दिन से मामा के, तो इसलिए मेरे वैक्सीन नहीं लग पाई 2-3 दिन में। और उस दिन में तो मतलब एकदम फ्री थी, मेरी सारी फ्रेंड्स ने लगवा ली है वैक्सीन। आई थिंक क्लास में सब ने लगवा लिया, 1-2 बच्चे रह रहे हैं उनमें मैं भी हूँ, तो मैं आज लगवा लूँगी बस। तो फिर उसके बाद मैं भी फर्स्ट डोज वाली हो जाऊंगी। बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंडी लग रही है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, हाँ 12:30 बज गए हैं और मम्मी और मैं निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने की, मतलब मेरी जो वैक्सीन लगेगी वहाँ पे। और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं ना, नहीं अभी ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। हाँ अगर भीड़ नहीं मिली तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और अगर भीड़ मिली तो फिर। और यहाँ पे तो मम्मी जूती पहन रही है, मतलब रेडी हो रही है, मैं तो रेडी हो गई, छोटी मोटी बना ली अच्छे। और जानवी प्रेम नहीं जा रहे हैं, वो बड़े पापा के यहीं रहेंगे। तो अभी मम्मी और मैं निकलेंगे बस थोड़ी देर में, ऑटो लेंगे बाहर से, ऑटो करेंगे और फिर चलेंगे वैक्सीन लगवाने। मेरे को थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है और नहीं भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं हो रही, मतलब एक होता है ना घबराहट पहले वो ऐसी हो रही है। हम लोग यहाँ से निकल के ऑटो करेंगे, ऑटो लेंगे और फिर चलेंगे वैक्सीन लगवाने। चलो आपको वहीं जाके और सब ऐसे बात।
डर तो नहीं लग रहा? हाथ को ढीला छोड़ना है ना, टाइट मत रखियो। हाँ बस लग भी गई। नहीं कुछ भी नहीं दिखाना, सैनिटाइजर लगा ली थोड़ा सा हाथ पे, है ना? कोई नहीं वाला लगा ले सैनिटाइजर। हाँ जी चल। तो वैक्सीन तो लग गई, बस बहुत ढूंढने में परेशानी हुई जहाँ पर ये लग रही थी जिस स्कूल में, टाइम बस आने जाने में ही लगा, वरना यहाँ तो 5 मिनट भी नहीं लगे हमें वैक्सीन लगवाने में। ऐसे लगा मेरे को, लगा पता वो अंदर तो घुसाएगी पर एकदम से लग गई। किसी किसी सिस्टर के हाथ से ना, डॉक्टर के हाथ से दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, तो बस अब यहाँ से बाहर निकल के फिर से ऑटो पकड़ना और घर जाना है। मुझे अट्टा भी जाना था, प्रेम की पैंट चेंज करनी थी पर ये लाना भूल गई, तो अब डायरेक्ट सीधा अब घर जाएंगे, नहीं तो अभी काम हो जाता। यहाँ से अट्टा मार्केट पास में ही थी। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं इसकी फ्रेंड का, जो इसकी नोटबुक लेकर आने वाली है। अभी पता नहीं कितनी देर में आएगी, वैक्सीन तो लगी बस घर ही निकलना था। अब देखो कितनी देर में लेकर आती है इसकी नोटबुक, क्योंकि स्कूल बंद है तो इसे वैक्सीन की वजह से हमें यहाँ आना था जहाँ पर इनका स्कूल है। इसकी फ्रेंड भी सारी यहीं रहती हैं जहाँ पर इसकी वैक्सीन लगी है, तो अभी देखते हैं कितनी देर में आती है वो। अभी इसकी फ्रेंड भी आ गई है यहाँ पर, तो चलो हो गया तुम्हारा नोटबुक का काम? चलो ठीक है, चलो बाय। तो नोटबुक तो ले ली हमने, अब यहीं से ऑटो करते हैं घर के लिए डायरेक्ट, फिर घर चल के मिलते हैं आपसे। तो जहाँ पर हमने तनिष्का की वैक्सीन लगवाई थी वहीं पर पास में ना सब्जियां और फल मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे एकदम फ्रेश मिल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पास में से ही लेके चली जाती हूँ तनिष्का के लिए और सभी बच्चे खा लेंगे फ्रूट। मैं ऑटो पकड़ूंगी वहां से, सारी शॉपिंग आज ही कर ली है, अभी तो बाजार लग रहा है तो क्या करूं मैं, जहाँ मुझे ठीक चीज मिलेगी। फल ले लिए प्रेम के, जानवी के लिए, और इसके वैक्सीन लगे तो इसके लिए भी ठीक है, थोड़ा वीकनेस नहीं आएगी, इसके पेन नहीं होगा, इसलिए अदरक और प्याज। प्याज लेने गई थी मम्मी, वो अदरक चाहिए तो अदरक भी, यही सबसे वो होता है लेट कहते हैं ना। चलो तो है मम्मी, ये वाला तो ऑटो कर लिया, एक दूसरा ऑटो करना पड़ता है, दो ऑटो करने पड़ते हैं मैं घर जाने के लिए। तो हमें सेकेंड ऑटो भी मिल गया है, घर के अंदर भी नहीं गए तब भी प्रेम इतना प्यार करता है कि मम्मी के चिपट गया। फल लाई हूँ ना इसलिए। मैं तो मेरे मामा को छोड़ने जा रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं देखो, और मम्मी आते ही एकदम किचन में खाना बनाने लग गई है, दोपहर का लंच बना रही है। तो इतने मम्मी ने हमें ग्रेप्स दे दिए हैं, है ना प्रेम जानवी, कैसे ग्रेप्स? अच्छे हैं भाई, इनकी तो लड़ाई नहीं खत्म होती। यहाँ पे मम्मी खाना भी लेके आ गई है। ओह तो देखो क्या है आज के लंच में, गरम गरम चावल, सर्दियों में चावल ना हो मेरे फेवरेट है, चाहे उसमें मटर ही क्यों ना, मुझे मटर के चावल अच्छे नहीं लगते, पर हाँ ये मैं खा लूंगी क्योंकि बहुत ही मम्मी बनाए होंगे मम्मी ने। तो मम्मी ने चावलों में घी डाला है, मम्मी ने कहा कि घी डालने से तेरी जो ये मतलब वैक्सीन लगी है इसमें थोड़ा रेस्ट मिलेगा। मम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, मतलब हमारी की कहीं हम बीमार ना हो जाए, वो तो हर मम्मी को रहती है, पर मम्मी को ये लगता है कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे डर जाती है मम्मी आज वैक्सीन लगी है। घी डालने से रेस्ट नहीं मिलेगा, घी डालने से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं अंदर से, रेस्ट नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं था, कोई नहीं सॉरी, दर्द नहीं हो रहा है। जानू कैसे बन रहा है? टेस्टी।
मम्मी कैसे बन रहे हैं? अभी हम लोग खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, लेटेंगे या सो जाएंगे। तो हम आज का अपना ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।